तो ये जो है लैपटॉप है डेल का, और मैं आपको इसका मॉडल नंबर दिखा देता हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरह से हम लैपटॉप जो हमारा डेल का है E6410 जो है उसका किस तरह से हम VLAN, जिससे हमारा जो वायरलेस होता है, वाईफाई जो वर्क करता है, वो किस तरह से हम चेंज करें। तो आप बैक साइड में ये देखेंगे और इसका ये एक स्क्रू है, इसको आप ओपन कर लेंगे। उसके बाद इस कवर को आप ओपन करिएगा। ओपन करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से उसका कहाँ पे वो VLAN कार्ड होता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए आप यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है, यहाँ ये VLAN लिखा हुआ है जो वायरलेस कार्ड होता है। तो आपको सिर्फ यहाँ पे ये जो आपको ये वायर दिख रहे हैं, एक ब्लैक और एक यहाँ पे वाइट है, तो वाइट वायर जो होता है वो स्क्रू के पास होता है। तो इस स्क्रू का हम ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद बाहर निकाल देंगे। और जो इस पर आप देखेंगे मॉडल जो है वो आप अपना मॉडल देख लीजिएगा VLAN का, और उसको आप मार्केट से ख़रीद के या ऑनलाइन ख़रीद के आप उसको यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं। तो आपको मैं बता दूँ इसका पॉइंट, तो ब्लैक वायर जो है गलत मत लगाइएगा, जो वाइट वायर है वो स्क्रू के पास है यहाँ पे, और ये ब्लैक जो है वो VLAN के ऊपर है। तो आपको सिर्फ ये एक स्क्रू यहाँ से ओपन करना है इस तरह से, और इसमें कुछ नहीं करना है। ये आप पहले सबसे पहले इनको निकालिएगा, और सबसे पहले आपको निकालनी होगी बैटरी। तो आप बैटरी अपनी यहाँ से रिमूव कर लें। उसके बाद आप ये जो इसका केसिंग है, इस केसिंग को ओपन करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे, उसके बाद आपको ये वाइट वायर और ब्लैक वायर को सबसे पहले बाहर निकालना है। उसके बाद आप ये स्क्रू से खोलेंगे और जिस तरह से ये लगा हुआ है उसी तरह से आप इस कार्ड को लगा देंगे। और लगाने के बाद जब आप इसमें कार्ड लगा दें तो फिर ये वाइट वायर जहाँ पे वहाँ पे वाइट लगा दें और ब्लैक लगा दें। उसके बाद आप अपने कवर को इसको क्लोज कर दें। तो मैंने आपको इस वीडियो में दिखा दिया है कि किस तरह से हम VLAN कार्ड जो होता है हमारा वायरलेस का, उसको चेंज करते हैं, रिप्लेस करते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।